हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में क्षमता विकास दो दिवसीय कार्यशाला में 5 देशों भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मलेशिया से 24 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कार्यशाला विलिंग एवं वुड वर्कर्स इंटरनेशनल और ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी आईपीएच एंड कंट्रोलर वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य चर्चा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों IFI प्रोजेक्ट में श्रम मानकों के पालन और मजदूरों को उचित काम एवं उत्कृष्ट श्रम कैसे प्राप्त हो, इस पर केंद्रित रही। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संगठनों के अलग अलग हस्तक्षेप पर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला का विशेष ध्यान कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और श्रम कानून के पालन पर रहा। हिमाचल प्रदेश में चल रहे कीर्तपुर मनाली नेरचौक परियोजना में सरकार एवं कंपनी के सहयोग से निर्माण श्रमिकों की दशा का जायजा लिया और कैसे सुधार लाया जा सके, इस पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया। BWI के महासचिव एवेंट यूसोन ने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे IFI की पूर्ण जिम्मेवारी है कि जिस देश में भी परियोजना क्रियान्वित हो, न कि सिर्फ वहां के श्रम कानून का पालन हो, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी सुनिश्चित किए जा सकें। इस कार्य में दक्षिण एशिया के श्रम संगठनों की अहम भूमिका है और मैं आशापूर्ण हूँ कि इस कार्यशाला में ठोस रणनीतियाँ तय हुई होंगी। इनके लिए जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, कल्याण बोर्ड बना हुआ है, 35,000 करोड़ रुपया इस देश में जमा है। अलग अलग राज्यों में वो पैसा जमा है, लेकिन वो पैसा भी इनके हित के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना ये कोई सरकार पैसा नहीं दे रही है, न केंद्र का एक पैसा है, न राज्य का एक पैसा है। 10 लाख और 10 लाख से ऊपर के निर्माण के कार्य में 1% सब्सिडी उनका जो कटता है, शेष कटता है, उस शेष से ये सारा पैसा जमा है। ये मजदूरों का पैसा है। इस पैसे पर भी सरकार की अब नजर लग रही है और केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड बनाने के नाम पर कहीं न कहीं इसको भी डाइल्यूट कर रही है। तो हम लोगों ने तय किया है कि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल और लास्टली इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्रीवांसेज के रिड्रेसल का जो फोरम बना हुआ है, मैकेनिज्म है, उस स्तर पर इसको उठाएंगे। लेकिन मजदूरों को न्याय बिना दिलाए ये रास्ता को हम अब बंद नहीं होने देंगे, रुकने नहीं देंगे। ये आंदोलन अनवरत चलेगी।